नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं खबर 9। करकेली से 3 किलोमीटर दूर NH-43 चढ़ाई सिद्ध बाबा मंदिर में अखंड रामचरित मानस का आयोजन किया गया, जिसमें 12 बजे से प्रारंभ होकर दूसरे दिन पूजा अर्चना कर समापन किया गया। सिद्ध मंदिर से लगे आसपास के गांव के ग्रामीणों ने आकर रामचरित का आनंद लेते हुए अखंड रामचरित में शामिल हुए। आने जाने वाले भक्तगण को यहाँ एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या पीने की पानी की है। जहाँ 3 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं और यहाँ पूजा पाठ का जोर चलता रहता है, लेकिन पानी की समस्या के कारण आने वाले भक्तों को बड़ी समस्या होती है। भंडारे के बाद लोगों को पीने की समस्या होने और शासन प्रशासन से मांग की है कि यहाँ एक हैंडपंप की आवश्यकता है। अखंड रामचरितमानस के आयोजक तीर्थ तिवारी, नीरज सिंह, रघुवंशी, कंछेदी खाटिक, सोनेलाल कुशवाहा, लाल विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद थे। यहाँ सिद्ध महाराज की जी विराजमान है। कल 12 बजे से यहाँ अखंड मानस का रामायण किया गया है। 24 घंटा का कार्यक्रम है और यहाँ पर सभी दरही टूला, महा नदी टूला, देवी बदी जान सभी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ जो सिद्ध महाराज की धर्म स्थल है वो मानता है और प्रसिद्ध है। यहाँ पे सिद्ध घाट से यह प्रसिद्ध है। यहाँ जो भी अपना मुराद लेकर आते हैं उनका काम होता है और इसीलिए यहाँ श्रद्धा बनती है। यहाँ पानी का समस्या बहुत है। आज हम 10 वर्षों से जिला प्रशासन, विधायक, सभी जनप्रतिनिधि से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन हमारा कोई यहाँ नहीं सुन रहा है और हमें यहाँ से बस स्टैंड से पानी लाना पड़ता है। यहाँ भंडारा का मीटर दूर से, यहाँ से कम 2.5 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। मानस का अखंड मानस चल रहा है और यहाँ भारी तादाद में लोग एकत्रित हैं और सभी बढ़िया आनंद से पूरे रात गुजार दिए। हम लोग बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और यहाँ समस्या आती है, पानी की आती है। पानी लाने के लिए यहाँ से 3 किलोमीटर आसपास लग है और यहाँ भगवान सिद्ध दादा का स्थान ऐसा है कि पानी की व्यवस्था हो जाती है तो यहाँ पास कोई कमी न रहेगी और यहाँ पास थोड़ी से बढ़िया ग्राउंड अच्छा टाइप में बन जाए इसका स्थान। उमरिया से नीरज सिंह, रघुवंशी की रिपोर्ट। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।